उसको भी लूट ले। भाग जाते अरे रूम्स में गए होते Yes, guys, मैंने 2020 में ही अपना स्ट्रीमिंग करना स्टार्ट करा था। लॉकडाउन था उस टाइम पे एंड उस टाइम पे मैं बहुत ज्यादा BGMI खेलती थी। तो मेरे फ्रेंड्स लोगों ने सजेस्ट करा कि क्यों ना मैं स्ट्रीम कर लूं। उस टाइम पे मेरे को नहीं पता था कि स्ट्रीमिंग होती क्या है। मैंने यूट्यूब पे जाके सर्च करा, मुझे पता चला कि स्ट्रीम ऐसे ऐसे करते हैं। देन मैंने 2020 से ही अपनी स्ट्रीमिंग स्टार्ट कर दी थी। Like basically, I guess the main reason right now that I started streaming was because of the lockdown. It's not that it's not my passion or I don't really wish to do this, but moreover the main reason is going to be lockdown. In lockdown I found out that rather than being in my books for hours and hours, I guess the secondary thing that I can even do is sit and cast or sit and stream, play games and entertain people by giving them so much of content. So I guess lockdown is the main reason that I started to stream, and eventually right now it's been like 1.5 years that I've been streaming and casting. I started streaming in like 2021, अभी recently 7 months back in August or July. अभी आप लोगों को तो पता है COVID चल रहा था और सब बंद था, lockdown था, बाहर नहीं जा सकते थे, colleges, school वगैरह सब बंद थे। तो I used to play BGMI सारा दिन मेरे छोटे भाई के साथ। मैं थोड़ा girls custom वगैरह भी खेलती थी। मैंने तभी recently start किया था। तो मेरे friends ने suggest किया कि वाई डोंट यू स्ट्रीम। पहले तो मैंने इतना सीरियसली नहीं लिया उसको, तो मैंने थोड़ा सोचा कि वाई नॉट, तो आई स्टार्टेड स्ट्रीमिंग। देन मेरा जो फर्स्ट स्ट्रीम था वो एक प्राइवेट स्ट्रीम था जो मैंने अपने से क्लोज वंस के साथ लिंक शेयर किया, जस्ट टू चेक कि मैं स्ट्रीम कर सकती हूँ या नहीं, क्योंकि मेरे को नहीं लगता था मैं कर सकती हूँ। तो वो स्ट्रीम करके आई फेल वेरी गुड, तो मेरे को लगा यार आई कैन डू दैट। फर्स्ट स्ट्रीम किया, उस पर काफी अच्छा रिस्पॉन्स आया, मेरे को बहुत अच्छा लगा स्ट्रीम करके, तो मैंने स्ट्रीमिंग कंटिन्यू किया ऐसे। हे गाइस, मैं कुकी। मैं जब पहले टूर्नामेंट खेलती थी तब मेरे को लगा कि अदर वर्ल्ड स्ट्रीमर की तरह मेरे को भी ये लाइव स्ट्रीम पे करना चाहिए, तो मैंने धीरे धीरे लाइव स्ट्रीम स्टार्ट किया और उसके बाद मैं कैमरा फ्रेंडली बनी, जो मैं बिल्कुल नहीं थी। बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। पहले कोई भी नहीं जानता था कि यस मेरे को कोई भी नहीं जानता, बट अब जो है मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा लोग जानते हैं, बट यस जितने भी लोग जानते हैं वो लोग मेरे को बहुत प्यार और सपोर्ट दिखाते हैं। और स्ट्रीमिंग के दौरान ही मेरे को बहुत सारे ऐसे लोग मिले हैं जो मतलब मेरे को कभी रियल लाइफ में भी नहीं मिल पाते। अब मैं लोगों के साथ बहुत अच्छी तरीके से इंटरेक्ट भी कर पाती हूँ, काफ़ी मेरे को स्ट्रीम करने में मज़ा भी आता है और पूरा दिन ऐसा भरा भरा सा जाता है, खालीपन सा लगता नहीं है। The major change that I have right now is not getting enough of time. Prior when I wasn't streaming or prior when I was just like in my books and like just continuously studying and everything, I had more amount of time as compared to what I have right now. I mean, I am enjoying it, no doubts on that. It's like you sit on your PC, you start to stream and you don't realize how much time you sit and stream. It's 6 hours, it's 7 hours, it's 8 hours, and I still remember the maximum amount of stream that I have done is 13.5 hours. So yeah, managing time is something that has been a drastic change for me as I have started streaming. So I guess that is going to be the major point right now, and there's no second change. I guess that's the only change I have right now. So yeah guys, streaming ki wajah se mere life mein bahut zyada major changes aaye hain. Maine kabhi nahi socha tha main ko itne zyada log janenge, main kabhi itne zyada logo se ek time pe baat kar paungi, itne acche se baat kar paungi. To ye aap logo ke support ke bina kabhi nahi hua tha. Thank you so much, itna सपोर्ट, इतना प्यार करने के लिए, मतलब इट रियली मीन्स अ लॉट। थैंक यू सो मच। बहुत सारे पीपल के साथ इंटरेक्ट हुआ, धीरे धीरे मेरा ग्रोथ हुआ, आज मैं लाइव स्ट्रीम करके सेल्फ डिपेंडेंट भी बन चुकी हूँ। एंड यस गाइस, हैप्पी वुमेन्स डे। अ वेरी हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल ऑफ यू आउट देयर। हैप्पी वुमेन्स डे गाइस। गाइस, हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल ऑफ यू। बेस्ट ऑफ लक।